अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन से टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ रोल ऑफ कंप्यूटर, टॉपिक 1.2। अच्छा, थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इस चैप्टर का जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। एक तो हमने इस चैप्टर से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस कर ली, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये डिस्कस हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, ये भी डिस्कस हो चुका है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। फिर इसके बाद हमने इस चैप्टर से जो टॉपिक कवर किए हैं, कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी में आप किस किस कैरियर में जा सकते हैं, ये भी हम कवर कर चुके हैं। वो कौन कौन से कैरियर्स हैं जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में दो टाइप्स हैं, प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट। हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वेब डिज़ाइनर है, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर टीचर। फिर हम इसमें इस चैप्टर से जो टॉपिक कवर कर चुके हैं दैट इज़ आपके पास वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर से पहले बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है जी। फोर बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, ये टॉपिक भी कवर हो चुका। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये बचे वो टॉपिक्स हैं। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं। तो बस हमारा ये चैप्टर थोड़ा ही रह गया है। अभी आज का जो टॉपिक है हमारा डेट इज रोल ऑफ कंप्यूटर, यानी आपके डेली लाइफ में कंप्यूटर का क्या क्या रोल है, हम किस किस फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इट हैज़ चेंज्ड इट इन मैनी वेज, और इसने कंप्यूटर ने आपकी इस सोसाइटी को बहुत से वेज में चेंज किया है। इट इज़ द बेस्ट इन्वेंशन, बहुत अच्छी इजाद है एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी आजकल की टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे अच्छी जो इन्वेंशन है, इजाद जो है, वो ये आपका कंप्यूटर है। इट हैज़ ब्रॉट एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ, वेरियस मीन डिफरेंट, आपकी लाइफ की डिफरेंट फील्ड्स में इसने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट को अचीव किया है, यानी इसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से आपकी लाइफ की बहुत सी फील्ड्स एडवांस हो गई। तो अब कंप्यूटर का जनरली अगर हम बात करें तो बच्चे कंप्यूटर हर फील्ड में ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा है आजकल, ठीक है। एजुकेशन में भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, बिजनेस में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, बैंक्स में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आजकल कंप्यूटर यूज़ ना हो रहा हो, ठीक है। मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट जो यूज़ है कंप्यूटर का वो है एजुकेशन फील्ड। रोल ऑफ कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर का जो रोल है इन एजुकेशन, हैज़ बीन गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द रिसेंट ईयर्स, यानी आजकल इन रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट जो आपके जो मौजूदा साल हैं, इनमें आपके कंप्यूटर को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कंप्यूटर से एजुकेशन की फील्ड में डिफरेंट वेज में हेल्प ली जा रही है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इजीज का मतलब होता है आसान करना, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने आसान बना दिया। देखिए ना, अब लर्निंग प्रोसेस कैसे आसान हो गया, अभी अगर आप ये देखें, आप ये जो हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, तो ये भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो रहा है। घर बैठे आप आसानी से अपने लर्निंग प्रोसेस को कम्प्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सा मटेरियल मिल जाता है, एजुकेशन मटेरियल, यूट्यूब पे बहुत सा एजुकेशनल मटेरियल मिल जाता है, तो ये भी कंप्यूटर का यूज़ है जिससे आपकी लर्निंग आसान हो रही है। फिर इसके अलावा क्लासरूम्स में जो टीचर्स जो मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाते हैं आपको, तो वो भी आपका कंप्यूटर का यूज़ है बेसिकली एजुकेशन में। मैनी प्रोग्राम्स, और इसके अलावा आपको मार्केट से बहुत से प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इनके सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं, इनके प्रोग्राम्स मिल जाते हैं आपको, इनके लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको मार्केट से सीडी या डीवीडी की फॉर्म में, जिनसे आप उन सब्जेक्ट्स को अपने तौर पे घर बैठ के लर्न कर सकते हैं।
मैनी प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम्स आजकल अवेलेबल हैं। उन प्रोग्राम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टू लर्न द सब्जेक्ट्स, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लर्न कर सकते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एट्सेट्रा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। हाँ, कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी हैं जो जिनमें ग्राफिक्स होती हैं, जिनमें ऑडियो वीडियो होती है, एनिमेशंस होती हैं, उनको हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी हो, इमेजेस भी हों, साउंड भी हो, वीडियोस भी हों। यू कैन से डैट जैसे लेक्चर, हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको मल्टीमीडिया कह सकते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी लर्निंग इंटरेक्टिव हो जाती है। इंटरेक्टिव का मतलब आप इंटरेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग, और वो इंटरेस्टिंग बन जाता है प्रोसेस। इट, अच्छा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, इट कंबाइंस टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियो फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इस सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, आपकी इफेक्टिव लर्निंग के लिए इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को, यानी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो वगैरह को कंबाइन कर दिया जाता है। इंटरनेट हैज़ एनर्मस इंफॉर्मेशन, एनर्मस मीन अ लॉट ऑफ, बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, बसी वैरायटी पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाती है। तो ये भी, इंटरनेट भी बेसिकली एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ है। स्टूडेंट्स कैन रेफर टू इंटरनेट, आप इंटरनेट को एज अ स्टूडेंट रेफर कर सकते हैं, किस काम के लिए, टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट को रेफर कर सकते हैं। नाउ अडेज मीन आजकल, कंप्यूटर्स विद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, देखिए ना, वो जो मैंने आपको बताया कि क्लासेस में, क्लासरूम्स में हम जो मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो भी कंप्यूटर का यूज़ है एजुकेशन में। तो कंप्यूटर्स विद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आर बीइंग यूज्ड इन क्लासरूम्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, यानी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आजकल क्लासरूम्स में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स को यूज़ किया जा रहा है। इफेक्टिव कैसे हो जाती है टीचिंग मल्टीमीडिया के थ्रू, वो इस तरह से कि आपको एक लेक्चर बार बार बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ता। आपने एक दफ़ा एक लेक्चर प्रिपेयर कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो प्रोजेक्टर के थ्रू आप उसको बोर्ड पे प्रोजेक्ट करेंगे और वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेट्स से वही लेक्चर आपने एज अ टीचर 5-6 डिफरेंट क्लासरूम्स में दिने डिलीवर करना है, तो आपको ईच एंड एवरी टाइम वो सब कुछ बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स जैसे बायोलॉजी में होती हैं, फिजिक्स में भी होती हैं, वो आपको बार बार अपने बोर्ड पे एज अ टीचर ड्रॉ नहीं करना पड़ेंगी। देयरफॉर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, डेफिनेटली, सॉरी, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं आर आल्सो बीइंग कंट्रोल्ड यूजिंग कंप्यूटर्स, उनको भी आजकल कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। देयरफॉर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, तो हम ये कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर का रोल जो है एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। टूडे कंप्यूटर एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फ्रॉम एलिमेंट्री टू यूनिवर्सिटी लेवल। इसके अलावा जो कंप्यूटर एजुकेशन है, जैसे आप ये कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो ये आजकल का जो करिकुलम है हमारा, उसका एलिमेंट्री लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक ये पार्ट है। यानी बेसिक लेवल से 4th-5th क्लास से कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू की जाती है, कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाता है, और यूनिवर्सिटी लेवल तक ये सब्जेक्ट आपका चलता है। अच्छा, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन इज शोन इन फिगर, ये आप बेशक इसको एक्सक्लूड कर दें। तो फर्स्ट जो यूज़ है आपका कंप्यूटर का, वो है एजुकेशन में यूज़। सेकेंड यूज़ इज़ बिजनेस। अब बिजनेस में कंप्यूटर किस किस तरह से यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जितने भी आपके बिजनेसेस हैं उन सब में आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी इसके थ्रू आप बहुत कम टाइम में बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेती। जैसे आपने एक बुक प्रोड्यूस करनी है, उसकी 10 कॉपीज प्रोड्यूस करनी है, तो या एक सैलरी शीट आपने बनानी है, तो आप कंप्यूटर में उसको डिज़ाइन करके, अब आपने उसकी 10 कॉपीज बनानी है, तो आप इजीली इन वेरी लेस टाइम उस एक कॉपी से 10 कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट के जरिए। दे हेल्प इन रनिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली, तो कंप्यूटर आपकी किस काम में हेल्प करता है कि आप इसके थ्रू अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात समझे, बेसिकली हम जब अपने बिजनेस में कैलकुलेशंस की बात करते हैं ना,
एज अ ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, यानी अगर आप एज अ ह्यूमन कैलकुलेशन परफॉर्म करें मैनुअली, तो एक तो ये बात कि बिजनेस में डेफिनेटली आजकल बिजनेसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रहे हैं और बिजनेस आपका ग्रो करता है, तो जो जो बिजनेस ग्रो करता है तो उससे क्या होता है, कस्टमर्स की तादाद भी ग्रो करती है। लेट्स अगर हम एक बैंक की बात करें, अब एक बैंक के लाखों कस्टमर्स हैं, अब इन लाखों कस्टमर्स का डेटा आप मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको मैनुअली आप हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो कंप्यूटर है वो आपके बिजनेस को इफेक्टिवली, आपकी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली रन करने में आपकी हेल्प करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली हैंडल हो जाता है कंप्यूटर पर, बेसिकली ये बात। दे आर यूज टू प्रिपेयर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, आप कंप्यूटर के थ्रू अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, चार्ट्स ड्रा कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, इनवॉइसेस मीन बिल्स वगैरह बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाएं ना, तो वहाँ से जब आप परचेजिंग करते हैं, जो जो आइटम आप परचेज करते हैं तो वो उसका जब बिल बनाते हैं, तो इनके पास ना एक कंप्यूटर पे डेस्क पे एक डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं बार कोड रीडर। तो उससे आपने देखा होगा वो आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होता है, बारीक लाइनें होती हैं, पैटर्न बना होता है ब्लैक कलर का, उसको वो उस डिवाइस से स्कैन करते हैं, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में चली जाती है, फिर कंप्यूटर आपकी इनवॉइस जनरेट करते हैं। बहरहाल दे हेल्प इन स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज, बिल्कुल, एंड कस्टमर्स। आप कंप्यूटर के ज़रिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो आपके वर्कर्स हैं, और अपने कस्टमर्स के साथ इन टच रह सकते हैं, कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। अगेन वही बात कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हों, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हों, तो आप मैनुअली उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, बट इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस एरियाज, अब कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस एरियाज हैं वेयर कंप्यूटर आर यूज, वो अब हम देखेंगे। एक तो इसमें इम्पॉर्टेंट एरिया जो है, डेट इज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज द बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया इसने, ठीक है, रेवोल्यूशन आ गई, चेंज आ गया, सडन चेंज आ गया आपके बैंकिंग सेक्टर में। हर काम बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर के थ्रू किया जा रहा है, डिपॉजिट्स कहते हैं अमाउंट सबमिट करवाने को, एंड विड्रॉल्स बोलते हैं अमाउंट को निकालना, पैसे निकालना, निकलवाना बैंक से। देखिए ना, आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, एटीएम मशीन कंप्यूटर का यूज़ है, आप उसके थ्रू, हाँ डिपॉजिट तो नहीं कर सकते, विड्रॉल कर सकते हैं। आर इंस्टेंटली लॉग्ड इन टू अ कस्टमर्स अकाउंट, तो इस ये डिपॉजिट और विड्रॉल्स क्या करते हैं, ये ऑपरेशंस जो हैं, यानी अमाउंट सबमिट करवाना, निकलवाना, ये इन ऑपरेशंस के ज़रिए आप कस्टमर्स के अकाउंट में फौरी तौर पे लॉग इन हो रहे होते हैं। एक्यूरेट मंथली बैंक स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से आप जो मंथली बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो भी एक्यूरेट वे में जनरेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी तो कंप्यूटर में है ना, फिर देखें एज अ ह्यूमन हम अगर, हमें बहुत सारा काम करना पड़ जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करना पड़ जाए, तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे काम में फिर एक्यूरेसी नहीं रहती। तो बैंक स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो मंथ के एंड पे जनरेट की जाती हैं हर कस्टमर की, जिसमें बताया जाता है कि इस महीने में इस कस्टमर ने इतनी दफ़ा पैसे सबमिट करवाए, अकाउंट में इतनी दफ़ा निकलवाए, ठीक है, और करंट इसका अमाउंट इतनी है अकाउंट में, तो वो हर बैंक जो है हर कस्टमर की बैंक स्टेटमेंट जनरेट करता है मंथ के एंड पे। तो अब कस्टमर देखें, बैंक के लाखों कस्टमर्स हैं, अब उन लाखों कस्टमर्स की बैंक स्टेटमेंट आपका बैंक अगर बैठ के वहाँ पे लोग मैनुअली जनरेट करना शुरू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम फिर इसमें लगेगा, तो इस काम के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ अमाउंट ऑफ बिल टू बी ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर्स बैंक अकाउंट टू द स्टोर, तो ये भी हो सकता है आपने किसी स्टोर पे कुछ परचेजिंग की, ठीक है, अब आपके पास कैश नहीं है, तो आप वो देखें ना कार्ड स्वैप कर लेते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, तो होता यह है कि आपके उस स्टोर के कस्टमर के बैंक अकाउंट से, ठीक है, उस स्टोर वाले के बैंक अकाउंट में आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है नेटवर्क के ज़रिए, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। आप किसी स्टोर पे गए हैं, आपने परचेजिंग की है, आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो वह क्या करेंगे, वहाँ पर उनके पास एक मशीन होती है जिसमें आप उस अपने उस क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हैं, तो उससे क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू आपके अकाउंट से, कस्टमर के बैंक अकाउंट से उस स्टोर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है।
पीपल कैन ऑब्टेन कैश एनी टाइम एनी वेयर थ्रू ऑटोमेटेड टेलर मशीन जी, एटीएम के थ्रू आप किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, कंप्यूटर्स आर यूज इन रिटेल स्टोर, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वो जो मैंने बार कोड रीडर की बात की, जब कुछ आइटम आप परचेज करते हैं यूटिलिटी स्टोर से तो उसके ऊपर एक पैटर्न बना होता है लाइंस का, डार्क लाइंस का, कुछ डार्क होती हैं कुछ आपके थिन होती हैं, उस पैटर्न को हम कहते हैं बार कोड। अच्छा, बेसिकली उस बार कोड में आपके उस आइटम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसमें उसकी प्राइस होती है। तो जब आप बार कोड रीडर से उस बार कोड को स्कैन करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी बेस पे आपका बिल भी जनरेट होता है। बार कोड रीडर्स आर लिंक्ड टू कंप्यूटर सिस्टम, बार कोड रीडर डिवाइस जो होती है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से लिंक्ड होती है। डेट आर यूज टू रीड द बार कोड, वो क्या करती है डिवाइस, आपके आइटम पे मौजूद बार कोड को रीड करती है। प्रिंटेड ऑन ईच प्रोडक्ट सोल्ड, यानी जो भी प्रोडक्ट सेल की जा रही है उसके ऊपर वो आपका जो बार कोड है उसको रीड करती है। टू प्रिपेयर द बिल, किस काम के लिए, आपके बिल को जनरेट करने के लिए। विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एट रिटेल स्टोर्स, यानी रिटेल स्टोर्स पे कंप्यूटर के यूज़ की मदद से द चेकआउट प्रोसेस इज फास्टर। चेकआउट प्रोसेस, वो जो आपका काउंटर पे आपका प्रोसेस होता है आपको बिल जनरेट करके देने का प्रोसेस, उसको हम कहते हैं चेकआउट प्रोसेस, वो फास्टर हो जाता है। एंड द बिल प्रोड्यूस इज एक्यूरेट, और आपका बिल भी एक्यूरेट प्रोड्यूस होता है। ये बात अक्सर जगहों पर आपको देखने को मिलेगी कि जो काम हम एज अ ह्यूमन करते हैं ना बच्चे, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। ठीक है, ह्यूमन में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, टेंशन का, प्रेशर का, बिजीनेस का, तो लेकिन कंप्यूटर के किए हुए काम में बिल्कुल किसी किस्म की इनएक्यूरेसी का चांस नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में सब कुछ आ जाता है जी, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन आ जाती है, बहुत सी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ से आप अपने क्लोथ्स, हैंड वॉच्स, रिस्ट वॉच्स, लैपटॉप्स, डिफरेंट किस्म की एसेसरीज ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं। तो वो इस ऑनलाइन परचेजिंग को हम ई कॉमर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आल्सो नोन एज ई कॉमर्स अलाउज टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इंटरनेट, यानी इंटरनेट के जरिए, मीन्स का मतलब जरिए, यानी इंटरनेट के जरिए या कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, एंड ये भी आपका ई कॉमर्स जो है ये भी आपका कंप्यूटर का यूज़ है आपके बिजनेस में। ठीक है जी, देन कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन रनिंग मैनी अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बहुत से बिजनेसेस हैं जिनको रन करने में आपका कंप्यूटर हेल्पफुल होता है। डेट इंक्लूड होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रेवल एजेंसी, रियल इस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, इन तमाम बिजनेसिस में, होटल्स में भी होटल की मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है डेफिनेटली, जहाँ पे कंप्यूटर में मेडिसिन का रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स का वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो डॉक्टर किस डॉक्टर की किस वार्ड में ड्यूटी है, ठीक है, कौन से पेशेंट्स हमारे पास एडमिटेड हैं। अब आप जाए ना कंप्यूटर वहाँ पे डेस्क पे, इंफॉर्मेशन डेस्क पे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं प्रॉपर, वहाँ पे जाके आप अपना पेशेंट आईडी बताएं, कंप्यूटर में वो पेशेंट आईडी एंटर करेंगे तो आपको वो बता देंगे कि आपका पेशेंट किस वार्ड में किस बेड पे एडमिटेड है और उसको कौन सा डॉक्टर हैंडल कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हर लिहाज से कंप्यूटर हर फील्ड में ऑलमोस्ट आपके पास यूज़ हो रहा है। अच्छा, डिफेंस है आगे, मीडिया है, मैन्युफैक्चरिंग है। लें बच्चे, ये तीन जो यूजेस हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आप ये दो यूजेस जो हैं, कंप्यूटर का एजुकेशन में यूज़ और कंप्यूटर का बिजनेस में यूज़, काइंडली इसको तैयार करें, इसको कॉपी पे लिख लें। इंशाल्लाह अब आपका ये चैप्टर वाइंड अप होने जा रहा है। ठीक है, हर हाल में इसको हम इस वीक के नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट मंडे का जो लेक्चर होगा आपका चैप्टर टू पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चैप्टर टू में एक दफ़ा स्टार्ट करवा दूंगा, फिर बीच में थोड़ा सा किसी दिन एक दिन डिले लेके मैं फिर चैप्टर वन को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करके चैप्टर वन में आपको रिवाइज करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।